इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, ये हमारे बीआरओ का बोर्ड लगाया हुआ है इन्होंने, और इसका रेट जो है 7,500। हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल की हाल चाल भाई लोगों, मैं आपका दोस्त आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा विश्व साइकिल यात्री एक बार फिर आ गया हूँ, और इस बार आए हैं हम अपनी नई धनों के साथ में। रेट तो मैं बाद में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा भाई रेट कितना है इसका। पहले इसमें खूब सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा दूँ, आइएगा सर। इसमें चैन नहीं है भाई, सबसे बड़ी चीज़ है ये इसका सिस्टम है, और गियर सिस्टम जो साइकिल में होते थे ना, यहाँ पे गियर लगे होते थे, वो सारे गियर इसके अंदर आ गए। तो ये जो सिस्टम है ये मेड इन जर्मनी है पिनियन का, और ये सेंटोस की बाइक है, स्पेशल टूरिंग बाइसाइकिल मैन बनाई है जिस कंपनी के अंदर मैं खड़ा हूँ। ये कंपनी फैक्ट्री है, फैक्ट्री से मैंने इसको लिया है। अब मैं बता दूँ आपको, दो तरह के गियर सिस्टम होते हैं बाइसाइकिल के, एक तो वो पुराने वाला जुगाड़ होता था, और दो जर्मन गियर सिस्टम आए हुए हैं बाइसाइकिल के। एक तो है ये वाला, ये इसमें चलता है, इसको बोलते हैं रोल अप। ये कम से कम 15-20 साल पहले से चलता हुआ आ रहा है, इसके अंदर शिफ्टर है, देखिए गरारी लगी हुई है, तो ये गियर सिस्टम सारा अंदर ही इसको जो है शिफ्ट हो जाते हैं गियर। पर ये इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये पिछले टायर में लगता है, पिछले टायर में मैं आपको दिखा भी दूंगा कहीं पे, तो पिछले टायर में लगता है, तो इसके शिफ्टर में एक आवाज़ सी आती रहती है। तो ये 1,000 यूरो का करीब का गियर सिस्टम है, लगभग 80,000 का 90,000 का ये जो है गियर सिस्टम है। डिपेंड करता है, ये 12 गियर में भी आता है और 18 गियर में भी आता है, तो ये शायद 12 वाला है, इस पर लिखा भी होगा, ठीक है। दूसरा गियर सिस्टम जो हमने अपनी धनों में नई धनों में लगवाया है वो ये है। तो भाई राणा भाई ये देखिए, ये है पेनियंस, ये एक कंपनी है मेड इन जर्मनी, जर्मन कंपनी है। इसमें देखिए यहाँ पे आपको गियर सिस्टम है, ये देखिए ये गियर सिस्टम है, और ये देखिए अब ये देखिए मैं चेंज करता जाऊँगा, ये गियर शिफ्ट होते जाएंगे। अब जैसे इसको घुमाओगे ये देखिए, ये देखो अब हल्का चल रहा है, अभी इसको करेंगे तो ये टाइट चलने लग जाएगा। तो ये इसका इस पे इसको अलग अलग उसमें लेके जाएगा, तो हमारा जो बॉडी पे पैरों पे जो जोर पड़ेगा ना वो इसके हिसाब से पड़ेगा। इसमें भी 12 गियर और जो है 18 गियर आते हैं, तो हमने 18 गियर वाले लिए क्योंकि हमारी बाइसाइकिल जो है वो बड़ी लोडेड रहती है, 50-60 किलो सामान हम लेके चलते हैं, तो उस वजह से हमने ये वाला गियर सिस्टम लिया है। इसको बोलते हैं पेनियन का गियर सिस्टम, इंडिया में नॉर्मली कोई यूज़ नहीं करता ये पेनियन वाला गियर सिस्टम। इसकी वारंटी है और इसमें कुछ नहीं है, आपको बस 10,000 किलोमीटर के बाद में इसके अंदर ये जो है हब के अंदर ऑयल रहता है, तो आपको सिर्फ ऑयल बदलना है 10,000 किलोमीटर के बाद में, और कोई मेंटेनेंस नहीं है पूरी साइकिल में। अब एक एक चीज़ें मैं आगे से शुरू करता हूँ। देखिए ये हैंडल बार है, इसको बटरफ्लाई हैंडल बार बोलते हैं। सबसे पहले तो मेरे देश का फ्लैग लगा दिया मैंने इसके ऊपर, और ये जो गियर सिस्टम है यहाँ से ऐसे ऐसे करके गियर को बदला जाएगा। तो ये गियर सिस्टम है, 18 गियर है इसके अंदर, और इसमें बस चैन लगाने की जरूरत नहीं है, कार्बन बेल्ट है जो कि 15,000 से 20,000 किलोमीटर चल जाएगी मेरे को। और इसका हैंडल जो है वो एडजस्टेबल है, आगे लाइट है, इसके अंदर डायनमो है, डायनमो से लाइट आएगी, और साथ में ही यहाँ पे यूएसबी चार्जर भी है, तो ये यूएसबी चार्जर जो है मैं इसका यूज कर सकता हूँ। ये डायनमो सिस्टम है, लाइट अगर कई बार फंस जाता आदमी, बिल्कुल ही कुछ नहीं है आपके पास में, आपका फोन डेड हो गया, तो डायनमो यूज कर सकते हो। तो डायनमो का थोड़ा वेट ज्यादा है, इसकी वजह से मेरा लगभग साइकिल का 1 किलो के करीब वेट बढ़ गया। डायनमो और लाइट, लाइट और दिखा दूं मैं आपको, इस गाड़ी पे लगी हुई है ये देखिए, ये लाइट है इसकी, ठीक है, ये फिक्स है, देखिए हिलेगी नहीं, हालांकि मेरे पास पहले वाली लाइट है पर अभी क्या है कि ये फिक्स है, इसको फिक्स कर लिया मैंने। ये लाइट ही बड़ी अपने आप में एक्सपेंसिव है, 15,000 के करीब की लाइट आई है भाई। केन क्रिक है, ये क्रैंक है, इसके अंदर एक छोटा सा सोकर भी है, पुराने वाले धनों में भी थी ये। यहाँ पे दो तरह की साइकिल आती है नॉर्मली, ये एक में जो होता है डिस्क ब्रेक और दूसरी जो है सिंपल ब्रेक, तो मैंने सिंपल ब्रेक वाली ली है। डिस्क ब्रेक में ब्रेक तो स्ट्रॉन्ग होते हैं पर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि नॉर्मली जब आप ब्रेक लगाते हो तो एकदम ब्रेक लग जाते हैं, या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसलिए मैंने सिंपल ब्रेक की साइकिल ली है भाई। 27.5 इंच के जो हैं इसके टायर हैं, नॉर्मली 28-29 इंच के आते हैं MTV वगैरह में, और पुरानी धनों जो थी अपनी सुरली वाली उसमें 26 इंच के थे, तो इस बार मैंने 27.5 इंच के लिए हैं। उसके बाद में हमने नंबर प्लेट अपनी जो है दोबारा से सेट करवा ली है इस पर, इन लोगों से थोड़ी रिक्वेस्ट करके इन्होंने सेट करके दे दिए। नेशनल फ्लैग जो है मैंने इस बार यहाँ पर सेट करवाया है, थोड़ा सा अलग तरीके से सेट किया है। ये पानी वाली जो चीज़ें हैं ये यहाँ रखी है, ये थोड़ा सा अजीब सा है, पहले वाली का ज़्यादा अच्छा था,
इसका थोड़ा अजीब लग रहा है। और ये सेंटोस करके एक कंपनी है जो ये बना रही है। और सबसे ज़रूरी चीज़, ये साइकिल कितने की है? कितने की होने से पहले मैं एक बहुत 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 बड़ा थैंक यू बोलने वाला हूँ, और जिन भाइयों ने ये बाइक साइकिल को मेरे को स्पॉन्सर करके दिया, मेरे रोकी भाई और सर्वप्रीत भाई, आप लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया यार। मैं तो दोबारा से सुरली पे जाने की सोच रहा था, 1.5 लाख रुपए की मेरी वो पुरानी वाली साइकिल थी, पर आपने उन्हें सपोर्ट करी, तो आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया यार। क्या कहूँ, अगर बार बार शुक्रिया बोलूँगा तो शुक्रिया का महत्व कम हो जाएगा। तो सर्वप्रीत भाई और रोकी, लव यू भाई, आप सभी जानते भी हैं, और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि सर्वजीत और रोकी भाई को एक बार थैंक यू ज़रूर बोलना कमेंट सेक्शन में जाके। तो और इसका रेट जो है 7,500 यूरो, मोटा मोटा बात करूँ तो कितने की बताऊँ? बता दो। 7 लाख रुपए की। तो भाई नई धनो आई है 7 लाख रुपए की। अब इस धनों को अगले 7 साल तक हमें चलाना पड़ेगा। अब हम आगे फैक्ट्री के अंदर, भाई फैक्ट्री के अंदर क्या क्या हुआ है, हमने साइकिल के अंदर अंदर क्या इंस्टॉल कराया है वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तो है फ्रेम साइकिल का, देखिए ये ऐसा ही है, काला अंदर की तरफ से भी, और ये स्टील और एल्यूमिनियम मिक्स फ्रेम है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये रिम है साइकिल का, रिम जो है ये वाला बना हुआ है, ये स्टील का एल्यूमिनियम का बढ़िया रिम है। तो रिम अगर मैं वो जो डिस्क ब्रेक वाली लेता तो ऐसे रिम होते, पर मैंने लिए वो ये अपने मैनुअल ब्रेक, तो उसमें जो है ब्रेक यहाँ पे लगेगा। तो ये जो रिम है ये खुद बनाते हैं ये कंपनी वाले। इसके बाद में आ जाता हूँ भाई, जो आपको दिखाई है गियर सिस्टम, गियर सिस्टम के अंदर जो बेल्ट है ना, हमारे जो चैन सिस्टम होता था तो उसमें सिर्फ ये बेल्ट है, ये बेल्ट 50 ग्राम की भी होगी सारी, ठीक है। तो ये 50 ग्राम की बेल्ट आप यूज़ कर सकते हो इसमें, ठीक है। ये बेल्ट नॉर्मली जो है 15,000 किलोमीटर चल जाती है, 10,000 से 15, ये तो लोग तो 25,000 कह रहे हैं, पर वो डिपेंड करता है कि कितना लोड है और कितने एक बारिश के सीजन में चलते हो। ये इसको साफ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस चलती रहेगी ये, तो कोई मेंटेनेंस नहीं है, ठीक है जी। बाकी टायर सिस्टम जो है पुरानी वाली धनों का ही टायर सिस्टम है, इसका टायर थोड़ा बड़ा है तो इस वजह से जो है मैंने इसको थोड़ा सा इसका टायर लिया है, ताकि थोड़ी सी स्मूथ हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा तेज चल सकूँ मैं, इसलिए मैंने। और हैंडल तो हमारा ये वाला है बटरफ्लाई वाला, जो हम पहले भी यूज़ कर रहे थे। ये तो था नॉर्मली जो साइकिल के अंदर हमने चीज़ें लगवाई हैं या फिर जो चीज़ें हमने नई मॉडिफाई की हैं। अब इसका सिस्टम सारा जो है, आप ये जिस कंपनी में देख रहे हो, ये जो आपके सामने साइकिलें दिख रही हैं, ये 20,000 यूरो की, कम से कम 15-15 लाख की है, इलेक्ट्रिक है ये तो, पर ये 15-15 लाख रुपए की है। तो हमारी जो साइकिल है वो है ट्रैवल मास्टर 3+। तो ट्रैवल मास्टर 3+ बाईसाइकिल का ब्रांड है सेंटोस की। तो ये तो हमारी बाईसाइकिल का थोड़ा सा बाहर का थोड़ा सा जो है ABC बताई। इस बाईसाइकिल पे बहुत सारे ट्रैवलर जो स्पेशली वाइट पीपल जो ट्रैवल कर रहे हैं, तो अच्छा लगा यार ये बाइक लेके। अब दोबारा से रीबिल्ड होंगे, देखिए ये इन्होंने टांगी हुई है, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, ये हमारे BRO का बोर्ड लगाया हुआ है इन्होंने। जब आप लद्दाख जाते हो तो BRO के बहुत सारे बोर्ड लगे होते हैं, और सेंटोस की जो कंपनी है इसकी साइकिल को यूज़ करके बहुत सारे लोग जो है वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, उनमें से अब एक मैं भी हो गया हूँ। 7 साल मैंने सुरली चलाई, अब ये नई बाईसाइकिल चला रहा हूँ। और सीट जो है साइकिल की वही अपने पुराने वाली यूज़ करेंगे, सीट हमने ली नहीं है साइकिल की, वो तो एक बार इनको आपको दिखाने के लिए मैंने सीट लगाई थी, तो वही ब्रूक की सीट है। सीट के बारे में और बता दूं यार, अभी लगे हुए हैं, तो ये ब्रूक की सीट होती है, बिल्कुल प्योर लेदर होता है, ये लगभग 300 यूरो की होती है। तो ये पुराने ज़माने में हमारे जैसे घोड़ा गाड़ी होती थी, तो घोड़े की काठी होती थी ना, तो वो अपना घुड़सवार को यूज़ कर सकता था, दूसरा घुड़सवार यूज़ करता था तो उसको दिक्कत हो जाती थी। सेम चीज़ इसमें है, ये अपनी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है, बिल्कुल आपको सेट हो जाती है आपकी बॉडी के हिसाब से, और फिर आप इस पर आराम से बैठे रह सकते हो, चाहे 6-6 घंटे 8-8 घंटे बैठ के आप चल सकते हो। तो ये ब्रूक की सैडल यूज़ कर रहा हूँ मैं। फैक्ट्री के मालिक को बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे लगभग 8-10% की डिस्काउंट दिया है, मिस्टर रॉबर्ट, ठीक है, और उन्होंने बहुत अच्छे से इंटरटेन किया। अब यहाँ से मैं जो है वापस स्पेन जा रहा हूँ, कल मैं जो है बस में बैठ के यहाँ से स्पेन जाऊँगा, स्पेन से अपना जो सामान पड़ा है वो उठाऊँगा और अपना राइड स्टार्ट करूँगा। ये भी ऐसी है, इसमें रोल ऑफ का लगा हुआ है सिस्टम, गियर सिस्टम, ये लाइट है, ठीक है जी, ये बहुत सारे मॉडल हैं, और
ये जो कंपनी है अंदर पुलिस की, ये जो सफ़ेद वाली बाइक खड़ी है ये पुलिस के लिए बना के रखते हैं ये लोग। ये इलेक्ट्रिक है, ये इलेक्ट्रिक है, इसमें पीछे हब लगा हुआ है और ये देखिए मोटर जो है ये यहाँ लगा रखी है इन्होंने, सिर्फ मोटर है इतनी, और इससे आप इसको चला सकते हो। ये देखिए ये बैटरी हैं, तो इलेक्ट्रिक भी ले सकते हो, ट्रैवल मास्टर इलेक्ट्रिक भी है। इलेक्ट्रिक में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आएगी कि इलेक्ट्रिक को हम कैरी नहीं कर सकते, ना ही उसको हम ट्रेन में रख सकते, ना ही हम उसको फ्लाइट में रख सकते, तो बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है इलेक्ट्रिक्स के साथ में। मैं तो कहता हूँ सेंटोस की ना सबसे बढ़िया बाइसाइकिल यही है, ट्रैवल मास्टर 3। राणा भाई, तोते वाले भाई, तोते वाला भाई दोबारा से आ गया भाई, मैं भाई के पास ही था 2-3 दिन से, और भाई ने मेरे को सपोर्ट किया यहाँ पे लेके आना, बार्गेनिंग करना, काफ़ी कुछ जो है वो इन्होंने मेरी सपोर्ट करी। और पिछले 2 दिन से हम चक्कर मार रहे हैं, हम 4 दिन से चक्कर मार रहे हैं, चार दिन से लगातार हो गया हम इधर से इधर। इन लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट करके मनाई है, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि हम 2 हफ्ते में बना के देंगे, पर इसी चक्कर में हमने कलर चेंज नहीं करवाया, क्योंकि कलर अगर चेंज करवाते तो 1 महीना लगता, तो अभी हाँ तो अभी हमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर बाइसाइकिल डिलीवर कर दी। तो मैं थैंक यू बोलूँगा कंपनी के सारे लोगों का, और रॉबर्ट का जो अंदर मिलवाता भी वहाँ से, डैनी इज रेडी, बैग में पैक कर दिए, अब हम चलेंगे यहाँ से। राणा जी चलें भाई, चलते हैं। थैंक यू सो मच, कैन आई टेक यू? यस यू कैन टेक। थैंक यू सो मच डैनी, फॉर ऑल ऑफ परी। लो भाई देखो, एक मर्सिडीज दूसरी मर्सिडीज के अंदर डाल दी हमने, हमारी वाली भी मर्सिडीज है भाई। चलो लेट्स मूव। So the noise ready, hum bhi ready।